मुंबई की एक अदालत ने सोमवार को कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से दायर एक मामले में जमानत दे दी। वहीं अब भारती और हर्ष की गिरफ्तारी पर उनकी करीबी दोस्त राखी सावंत की प्रतिक्रिया सामने आई है। हाल ही में राखी अपनी अपकमिंग फिल्म विनाशकाल के म्यूजिक लॉन्च के दौरान एक इवेंट में मौजूद थी। इस दौरान जब उनसे भारती के बारे में बात की गई तो उनका कहना था, देखिए मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में कोई ड्रग का मामला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सडनली छापे मारे जाते हैं और ड्रग मिलता है, तो मतलब ये कोई टीप दे रहा है, कोई फ़ोन कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। देखिए मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ, क्यों आर्टिस्ट पकड़े जाते हैं, क्यों किसी मंत्री का बेटा नहीं पकड़ा जाता, क्यों और भी तो पूरे देश में बहुत सारे लोग सिर्फ आर्टिस्ट लेते हैं क्या, और कोई क्यों नहीं पकड़ा जाता, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा ये फंडा। बट ठीक है, अगर भारती जी के केस के साथ ऐसा हुआ तो मुझे तो पहली बात यकीन ही नहीं है कि भारती जी के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि भारती एक बहुत इंडिया के टॉप नंबर वन कॉमेडियन है और उनकी रिस्पेक्ट है। और जब मैंने न्यूज़ सुनी थी तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि हर्ष और भारती मेरे बहुत अच्छे घर के रिलेशन है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे लगता है ये किसी का षड्यंत्र है, मैं आपको सच कहती हूँ, ये किसी का षड्यंत्र है। उनके घर में किसी ने रखा है चुपचाप, बार पीछे से फ़ोन कर दिया है। सो, ये षड्यंत्र है और उन्होंने कबूल किया है, तो कैसे कबूल किया है मुझे नहीं पता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है एनसीबी वो, हाँ जो हमारी एजेंसी एनसीबी वो अच्छा काम कर रही है। और मैं तो कहती हूँ सबको, एक एक को नार्को टेस्ट करो और सबका ब्लड चेक करो, जैसे कोरोना का चेक हो गया वैसे मुझे लगता है कि लीगल विनाशकाल दिखाओ। हाँ सबको विनाशकाल दिखाओ और सबको मतलब कि कोरोना टेस्ट जैसे लीगल हो गया है वैसे सबका ब्लड चेक करो, तो पूरे सबके ब्लड में डेफिनेटली ड्रग्स निकलेगा ही निकलेगा। बता दें कि भारती सिंह और उनके पति हर्ष पर ड्रग्स लेने का आरोप है। दोनों के घर से एनसीबी ने छापेमारी में मारिजुआना बरामद किया था। इसके बाद पहले शनिवार को ही भारती की गिरफ्तारी हो गई थी। इसके बाद घंटों पूछताछ के बाद एनसीबी ने भारती के पति हर्ष को गिरफ्तार कर लिया था।